मैं स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का जनता की आवाज़ पर। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम नंदगांव में। इस वक्त एक मदर फासला स्कूल में मौजूद है, जहां पर चिल्ड्रेंस डे यानी कि बाल दिवस प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं तौकीर आजमी उर्फ अच्छू भाई, जो कि छाऊ से बिलोंग करते हैं, छाऊ आजमगढ़ से। आपको बता दें ये कांग्रेस पार्टी में इस वक्त है। इनका परिचय और इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में खुद इन्हीं से जानते हैं आज हम। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जनता की आवाज़ पर। ये बताइए कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हैं, किस पोस्ट आपकी? मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर आप हैं। बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको अपने अपने चैनल की तरफ से और आजमगढ़ की जनता की तरफ से। ये बताइए आप कितने सालों से जो चीज़ें लोग जानना चाहते हैं, आजमगढ़ के लोग, पूर्वांचल के लोग, पूरा देश जानना चाहता है कि आप कब से राजनीति में हैं, कितने सालों से? एक्चुअली देखिए मैं बेसिकली तो बिजनेसमैन हूँ जी, राजनीति कोई मेरा पेशा नहीं है जी जी, और ना राजनीति में मैं पेशे के तहत या जॉब के तहत आया हूँ। मैं एक मकसद लेके पॉलिटिक्स में कदम रखा मैंने कि आजमगढ़ इतना मशहूर और इतना ताकतवर ज़िला, जहाँ के लोग पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, वहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। और मैं एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए खास तौर से मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ में कोई एक शानदार यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जिसके लिए पॉलिटिकल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सियासत में कदम रखा कि मैं इस अपने ख्वाब को पूरा करूं। जी अभी आपने कहा कि मैं एक बिजनेस मैन हूँ, जिस तरह आपको तौकीर आजमी से लोग कम जानते हैं और आपको अच्छी साहब के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं मशहूर भाई, उसी तरीके से हम भी राजनीति में आपको जानते हैं और ये नहीं जानते थे कि आप बिजनेस मैन भी हैं। खैर ये सब अलग चर्चाएँ हैं, ये जानना कांग्रेस पार्टी में जब क्या उम्मीद लग रही है, क्या समझते हैं कि आप पहली पार्टी में रहकर? देखिए ऐसा है कि नॉर्मल प्रशिक्षण जो है पब्लिक का, लोगों की सोच है आज जो नई जनरेशन है उसने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कमजोर ही देखा, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मुल्क को सबको एक साथ जोड़ के, मुल्क के सारे समुदाय को एक साथ जोड़कर, सारे मजहब के मानने वालों को एक साथ जोड़कर लेकर चल सकती है। इसका सबूत पिछले दिनों भी दिया है, पिछले वक्तों में, और आगे भी इंशाल्लाह इसका सबूत कांग्रेस ही देगी। क्योंकि दूसरी सारी पार्टियाँ कोई किसी के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई जात के नाम पर, कोई बिरादरी के नाम पर लोग बंटवारा करके अपनी राजनीति करते हैं। कांग्रेस बंटवारा नहीं चाहती, कांग्रेस हिंदुस्तान को एक साथ जोड़कर लेकर चलना चाहती है, और वही पार्टी लेकर चल सकती है। इसलिए मैं इसी सोच के तहत मैंने काम किया। जी जी सर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आपने किया कि जो है कांग्रेस पार्टी जो है जातवाद की राजनीति नहीं करती, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है जितनी भी है, चाहे वो कोई भी नेता हो, हमेशा जातवाद की राजनीति कभी ना कभी कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दें, या शेर का बच्चा पैदा होता है तो शेर होता है, या फिर किसी जानवर का, घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है, लेकिन इंसान ये कैसी कौम है, सबसे अच्छी कौम जिसे माना जाता है, लेकिन उसका बच्चा पैदा होता तो हिंदू और मुसलमान हो जाता है। देखिए हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई, ये मजहब है और मजहब जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। जो जिस मजहब को मानता है बिल्कुल उसको अपने मजहब को मानना चाहिए। बहसियत मुसलमान की, मजहब तो प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। बहसियत मुसलमान के मैं आपको ये कहता हूँ कि इंसान को ये तलाश करना चाहिए अपनी जिंदगी में, मैं मुसलमान पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हूँ ये नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की तलाश करना चाहिए कि हक क्या है। अगर हक मुझे मालूम पड़ जाए और जहाँ हक मिल जाए वहीं इंसान को रहना चाहिए, ये हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी धर्म को मानो, उसके हक को जानो और हक को जान के उसकी पैरवी। जी जी सर, आपको बता दें जहाँ पर सांसद इस वक्त मौजूदा संगीता आज़ाद जी बहुजन समाज पार्टी की हैं, जनता की हमेशा से शिकायतें रही, आप इस पर रोशनी डालेंगे कि MLA जो हैं, MP जो हैं, वो आते हैं वह झंडा और डंडा लेकर चुनाव प्रचार करते हैं, सांसद MLA हो जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। कोई भी पार्टी की बात हम करें, कहीं पर कोई भी पार्टी हो, ऐसा क्यों होता है? अगर सारे नेता ऐसे होते तो देश चल नहीं सकता। नहीं, ये भी आपकी बात सही है, सहमत हैं आपके प्रश्न से हम। चलिए अच्छू भाई, अब एक और सवाल आपसे ये करते हैं कि आप यहाँ पर बाल दिवस जो है मनाया जा रहा है, आप मदर पासेरा में पहुँचे हैं, तो क्या महसूस हुआ इस वक्त प्रोग्राम को देखकर? अभी मैंने प्रोग्राम को तो देखा ही नहीं है जी। मैंने यहाँ के मैनेजिंग कमेटी के कुछ लोगों से मैं मिला हूँ,
और उनको मैं पहले से भी जानता हूँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोग्राम के ताल्लुक से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस इंटीरियर में इस तरह का काम शुरू कर देना और इसको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बच्चे इस तरह की कोशिश करेंगे, जब मेरी बात को पूरी होने दीजिए, जब इस तरह की कोशिशें की जाएंगी, अच्छे काम के लिए रुकावटें भी आती हैं लेकिन कामयाबी की गारंटी होती है, क्योंकि काम अच्छा होता है। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब। जी जी बिल्कुल। जो बच्चे उज्जवल भविष्य होते हैं देश के, जो आज प्रोग्राम में हैं, उन बच्चों से आप क्या कहना चाहते हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? कोई नेता बनना चाहता है, कोई IPS अफसर बनना चाहता है, कोई DM, मतलब लोगों की अलग अलग फील्ड है, कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है मेरी तरह, तो उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो तो मैं बच्चों से कहूँगा, आपको मैं बता दूँगी, किसी भी काम के लिए जी जी जो भी काम है, इंसान के लिए पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच होनी चाहिए। जो भी काम है दुनिया में, सारे काम अपनी अपनी जगह पे पॉजिटिव है, अच्छी तरह से उसको करने की कोशिश करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जो जिस लाइन में जाएगा, अगर विजन उसका होगा तो वो काम है। जी जी, आप अपना आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे देश की जनता को? मैं देश की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है गंगी जमुनी तहजीब का देश है, और यहाँ पे लोगों को मिलजुल कर रहकर, सारे धर्म सारे जात के लोगों को मिलकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारी आर्थिक स्थिति की जो पोजीशन है, अगर ऐसा ही चलता रहा, ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम हुकूमतों का तय्यन करने में हमारा सबसे बड़ा किरदार होता है, हम खुद भी इस बात को सोचें और समझ के हुकूमतों को बनाने का काम करें कि कौन देश को चला सकता है और कौन देश को बांट सकता है। तो मैं देश को चलाने वाले लोगों की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि उस तरफ सोचें। गांव से देश प्रगति करता है, क्षेत्र से देश प्रगति करता है। आपके आजमगढ़ में आपके कुछ सोच रहे हैं कि कोई ऐसा काम है जो सरकार को योगदान देना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, जो आप करना चाहते हैं आजमगढ़ में? हमारे आजमगढ़ में दो चीज की बहुत बड़ी कमी है जी। हमारे लोग जो तरक्की कर जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, कहीं जाते हैं, जहाँ पैसा कमाते हैं, उसके बाद वहीं रह जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ फैसिलिटी के नाम पे दो चीज़ें बिल्कुल नहीं, जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे के लिए तालीम और बूढ़ों के लिए मेडिकल। तो हेल्थ और एजुकेशन दो चीज़ अगर यहाँ नहीं है, तो लोग बताइए कि आज के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस ज़िंदगी कैसे कोई इंसान गुजार सकता है? ये बहुत बड़ी कमी है। इसके अलावा बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी में ये होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट है, आज जो सरकार है उसको भी सोचना चाहिए, जो कल सरकार थी उसको भी सोचना चाहिए था, और जो कल सरकार आएगी उसको भी सोचना चाहिए, इसी पे काम करना चाहिए, मेरा यही विचार। जी 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 सर, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी आपके दिमाग में ऐसा कुछ है जैसे लोग काफ़ी जनता उसे कहते हैं कि यहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये कैफी आजमी साहब की सरजमी है, ये अल्लामा शिबली नुमानी की धरती है, तो यहाँ पर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी उनके नाम? आपने अल्लामा शिबली नुमानी का जिक्र किया, 100 साल पहले हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी, फाइनेंशियल पोजिशन नहीं थी, लेकिन हमारे उस बुजुर्ग ने इतना बड़ा काम कर दिया कि दुनिया में शिबली कॉलेज, शिबली एकेडमी, उर्दू एकेडमी, दारुल मुसन्निफीन का नाम है, और उससे लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं। लेकिन 100 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, हमारे पास आज से 40-50 साल पहले हम लोग फैसिलिटेट हो गए थे, हमारे पास आमदनी हो गई थी, वसाइल हमारे पास हो गए थे, हमारे जज्बों में शायद कहीं कमी रही है कि इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है। आगे इंशाल्लाह अगर हम भी नहीं कर पाए, जैसे हम आज अपने पिछली नस्ल को कोस रहे हैं, अगर हम नहीं कर पाए तो हम तो खाली कोस रहे हैं, अगली नस्ल हो सकता है गलत अल्फाजों से हमें नवाजे। तो इसलिए मैं इस जिम्मेदारी को लेकर इस सियासत में आया हूँ और अपने समाज में इसकी कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने बुनियाद रखना शुरू कर दी, पेपर वर्क मैंने शुरू कर दिया, इंशाल्लाह आजमगढ़ में बहुत शानदार यूनिवर्सिटी बनेगी, ये मेरा पूरा विजन है और मैं इस पर काम। सर ये भी बात करेंगे, आजमगढ़ के परचम पर जो सुनहरे नाम, कुछ चंद नाम ऐसे तो सैकड़ों शख्सियत, सैकड़ों हस्ती यहाँ पर है, दारुल तहज़ीब टाइम जी की बात करें, कैफी आजमी साहब की बात करें, इकबाल सुहेल साहब की बात करें, शिबली नुमानी साहब की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपने ये भी सोचा कि यूनिवर्सिटी तो बन जाएगी लेकिन नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि तमाम बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर हैं? देखिए, नाम मकसद नहीं होता, मैं एक मिसाल अरबी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का, ये बहुत बड़ी बात है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। अरबी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी जो बनी लखनऊ में, ये BSP की सरकार में 2007 के बाद जो सरकार बनी थी उसमें बनी, उसका नाम था कांचीराम यूनिवर्सिटी, ठीक है, तब भी वो यूनिवर्सिटी अरबी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी थी, और उसके बाद समाजवाद बन जाने के बाद समाजवादी की सरकार आई तो उसका नाम बदल कर ये अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम रख दिया गया, तब भी वो अरबी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी,
मैं नामों पे नहीं जाता। बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर सौफी राजी बात कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही अच्छी चर्चाएं हुई, उनके जीवन के बारे में विस्तार रूप से हमने चर्चा किया और आपको बताया। ऐसे ही छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जनता की आवाज़ आजमगढ़ पूर्वांचल की हर एक छोटी खबर के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।